हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम टू माय चैनल प्राइड आज मार्केट में बहुत बड़ा एक क्रैश हुआ मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट रहा ठीक है आप लोग मेरा वीकली वीडियो जाके एक बार देख रहे मैंने वीकली में डिस्कस किया था कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है तो अभी नीचे के साइड में वो भी ठीक है तो आप बोलोगे कल आपने बोला था कि मार्केट बेरिश नहीं दिख रहा है देखो आपको व्यू बदलना जरूरी है मेरा पहले वीकली व्यू में था अब अगर वीकली चार्ट देखोगे कल वैसे भी फ्राइडे है वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है तो मैं जब यहाँ पर हुआ था तभी मैं कहा था कि ये नीचे आ जाना चाहिए जल्दी से लेकिन दो तीन दिन रुका रहा शायद ये आरबीआई पॉलिसी के लिए रुका रहा व्हाट एवर ये हम लोगों को नहीं पता था ठीक है तो हम लोग को रिएक्ट करना होता है प्राइस के हिसाब से हम लोग रिएक्ट कुछ के हिसाब से नहीं कर सकता मेरा व्यू गलत भी हो सकता है इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा व्यू गलत नहीं हो सकता मैंने कहा तो मुझे उसमें ट्रेड करना अगर मैं देख सोचो मैं हर दिन शॉर्ट करता तो मेरा तो लॉस होता लेकिन मैंने आज शॉर्ट किया कहा शॉर्ट किया मैं सब कुछ बताऊंगा पहले डेली चैनल में देखो ये रहा मंडे से देखो मंडे दे, वेडनेसडे दे, ये तीन दिन एक ही रेंज में रहा तो आप कैसे बोल सकते हो गिरना होता तो गिर जाना चाहिए इतना होल्ड नहीं करना चाहिए था ठीक है तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको, कि आपको पर मुझे बुलुज दिख रहा है ये एकदम छोटा रेंज में अगर गिरना होता तो डायरेक्टली गिर जाता लेकिन ये एक दिन होल्ड किया नेक्स्ट डे गिर जाना चाहिए था दिन कल होल्ड करता यहाँ पर फिर भी मैं समझ सकता कल होल्ड करता तो आज मैं ये मूव एक्सपेक्ट कर सकता था लेकिन मूव आज आया ठीक है तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो देखो हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें भी वीकली में कि मुझे बियरिश दिख रहा है अभी तो पूरा अभी वो बियरिश वाला अभी सेंटीमेंट बुरा हो गया तो अभी मैं कहां पर शॉर्ट किया था मैं अभी बताता हूँ आज का दिन क्या हुआ गया था ठीक है बाद में हम लोग एनालाइज करते हैं तो आज का दिन हुआ गया जब मार्केट ओपन हुआ तो इस कैंडल के बाद से इस कैंडल में आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हुआ इस कैंडल में आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हुआ ठीक है तो मैं टूटा ना मैं यहाँ पर भी तो टूटा तो तब भी मैं शॉर्ट नहीं किया थोड़ा इसको वो करने देते है एक बार के लिए छोड़ देते है देन फिर से ये वाला जब इसको रिवर्स किया तो ठीक है तब तक ठीक था लेकिन जब ये वाला कैंडल ये ये आया ना मैं यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया यहाँ पर शॉर्ट किया यहाँ पर मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट किया इस लेवल पर मैं शॉर्ट किया और जब इसको तोड़ा तब मैं यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट किया और जब मैं ऑलमोस्ट इस लेवल को ये वाला कैंडल इसमें मैंने मैंने ज्यादा पूरा क्वांटिटी डाल दिया अभी क्लोज पर हुआ वन जीरो फाइव में हुआ ठीक है हम लोग अभी क्या कर सकते हैं हम लोग अभी कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा तो मैंने यहाँ पर बाद में पूरा शॉर्ट किया अभी मेरा होल्ड पे है और कल के लिए मैं लेके गया देखता हूँ क्या होता है जो भी होता है देखा जाएगा तो अभी अभी यहाँ पर जो ये कैंडल बना था तभी मुझे डाउट होने लग गया था कि ये वाला जब कैंडल क्लोज किया तभी डाउट होने लग गया था कि अभी मार्केट में कुछ सेलिंग आ सकता है तो मैंने अपना व्यू चेंज के लिए। मेरा व्यू बुलिश ही था मेरा व्यू बुलिश था लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ मैंने एक्चुअली मेरा जो सेल ट्रिगर हुआ था यहाँ पर हुआ था एट सॉरी इस लेवल के आसपास एट फिफ्टी के आसपास मेरा सेल ट्रिगर हुआ और मैंने मेरा इस लेवल पर मैंने कर दिया था ऑलरेडी तो मेरा इस लेवल पर मैं जब कंफर्म हो गया था हाँ चलो सेलिंग आ गया इसके पीछे रीजन में बताता आपको इसके पीछे का रीजन इस लेवल पे क्यों हुआ था अब तीन दिन का रेंज देखो तीन दिन का अगर आप रेंज देखोगे ये वाला रेंज देखो इस रेंज को देखो आप लोग अच्छे से देखो इस रेंज को ठीक है इस रेंज को देखो हाँ इस रेंज को देखो इस रेंज को पूरा देखो इस रेंज का मैं बोला था आपको अब मेरे टेक्निकल एनालिसिस में मैंने कुछ लर्निंग वीडियो में छोड़ा उसमें आप लोगों को पता होगा मास्टर क्लास जो मैंने छोड़ा अगर किसी भी रेंज को ब्रेकआउट देने का फिफ्टी परसेंट तोड़ दे देन वो गया फिफ्टी परसेंट जब तो रहा तब तो मैं समझ गया चलो ठीक है ये तो अभी कुछ गलत लग रहा है मुझे तब तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट किया था और ऐसे भी मेरा वीकली एनालिसिस में जाके देखना फोर्टी फाइव नाइन हंड्रेड के नीचे मेरा सेल होने वाला था जो इस दिन भी सेल हुआ तो था लेकिन फिर ऊपर चला गया लेकिन एक दिन जो स्टे किया मुझे इससे डाउट होने लग गया था फिर नेक्स्ट स्टे हुआ मुझे डाउट होने लग गया कि ये तो शायद पता नहीं ये शायद बुलिश हो जाएगा मार्केट ठीक है मैं मैं सोचा था मैं गलत हूँ तो गलत उसमें दिक्कत नहीं है गलत सही से दिक्कत नहीं मार्केट में आप कैसे रिएक्ट करते हो उससे दिक्कत है उससे मतलब आपका आप कैसे उसको ट्रेड करते हो उससे आपका जजमेंट बनता है कि आप कैसे ट्रेडर हो आप सही गलत उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कैसे रिएक्ट करते हो उससे फर्क पड़ता है ठीक है अभी जो डेली कैंडल में हम लोग क्या दिख रहा है पूरा रेंज टूटा अभी बियरिज दिख रहा है ठीक है अच्छा खासा बियरिज दिख रहा है अभी वीकली कैंडल पहले एक बार देख लेते कि कैसा कैसा दिख रहा है वीकली कैंडल में देखो ये वाला ये वाला एक था दोनों कैंडल दिया ठीक है ये एक पॉस कैंडल टाइप का था अभी ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे इसको ब्रेक कर दे और अगर कल ब्रेक करेगा तो हम लोग का वीकली टारगेट भी पूरा हो जाएगा आई थिंक फोर्टी फोर और समथिंग था आई डोंट नो आई फॉरगॉट ऑलरेडी बट इस लेवल का कुछ था

कल के दिन अभी आप इसको इंटरडे में कैसे ट्रेड कर सकते हो इंटरडे में ट्रेड करने का एक सिंपल आपको बताता हूं इंटरडे में आप ट्रेड ऐसे कर सकते हो इसको अगर कल कल मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है फ्लैट ओपन होता है ज्यादा नहीं डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट इस, इस में इस रेंज में ओपन होता है इस रेंज में ओपन होता है तो इसको तोड़ता है आज का लो तोड़ता है देन एक शार्प मूव आएगा फिर से और एक फॉलो थ्रू आएगा आज फॉलो थ्रू होना चाहिए कल आज के हिसाब से कल फॉलो थ्रू होना चाहिए और अगर मान लो गैप डाउन दे दिया तो आपका मामला चेंज हो जाएगा तो तो मान लो दो तीन सौ पॉइंट डाउन दे दिया तो हो सकता है पहला पंद्रह बीस मिनट में एक स्लाइड करके देन धीरे दे धीरे दे मार्केट स्टेबल हो या फिर थोड़ा ऊपर आके यहाँ पर कहीं पर क्लोज करे ऐसे क्लोज करे और अगर मार्केट बहुत बड़ा अप दे दिया बहुत बड़ा गैप अप देने से भी मार्केट में साइडवेज टू वॉल हो जाएगा अगर गैप अप बहुत बड़ा दे दिया अभी रेफरेंस पॉइंट मेन कौन सा है ये वाला लेवल जब तक नहीं टूटता है ऊपर के साइड कोई भी मत सोचना इस लेवल मतलब 500 550 के आसपास अगर ऊपर नहीं टूटता या फिर कल के दिन वेट करो अगर कल मान लो अप दे दिया यहाँ पर वेट कर रहा है कल का दिन यहाँ पर वेट कर रहा है देन मंडे को ये टूटता है तब आप इसमें बुले स्ट्रेड ले सकते हो अभी मार्केट में फिलहाल तो बेरिश सेंटिमेंट है अभी ऊपर के लिए ये वाला लेवल एकदम रेफरेंस पॉइंट रख लो ये वाला लेवल और नीचे अगर कल फ्लैट ओपन होता है देन हम लोग ये टूटने से सेलिंग मिल जाएगा एक दो तीन पॉइंट का एक शार्प मूव मिल सकता है फोर्टी फोर सिक्स तक लेवल का एकदम आराम से एक मिल सकता है फोर्टी फोर सिक्स तो मुझे एकदम दिख रहा है एकदम क्लियरली आराम से मिल सकता है और अगर मान लो गैप डाउन दे दिए यहाँ पर गैप डाउन दे दिया तब

चेंज कर उसको आप बैक ऑफ द माइंड रखो कि मेरा व्यू तो बेहरिश था अगर मुझे बेहरिश मिलता है जैसे इस दो तीन दिन में, में मेरा बेहरिश तो था मैं तो पहले मैं आपको वीकली में बताता मैं बेरिश हूँ लेकिन मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा था बेहरिस सिग्नल मुझे लग रहा था तो फिर अभी दो तीन दिन रुक गया शायद मार्केट बुलिश हो जाए मुझे बुलिश दिख भी रहा था चार्ट की सबसे बुलिश दिख रहा था लेकिन वही आपका वहां पर ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है वहीं पर आपका डिसीजन मेकिंग काम आता है मैंने यहाँ पर ही शॉर्ट कर दिया था इस लेवल पे शॉर्ट किया था देन यहां पर मैंने और ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल गया था कि चलो ठीक है ये मार्केट गिरने वाला है जाने वाला है जब यहाँ पर आके जब ये वाला रेंज भी नहीं तोड़ रहा था मैं भी कॉन्फिडेंट था मेरे पास पोजिशन अच्छा खासा था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया अभी मैं होल्ड पे रख के गया हूँ क्या होगा कल गया इस रेंज में कल बुक कर लूंगा फिर भी प्रॉफिट में तो रहेगा कल अगर फॉलो थ्रू मिल गया तब तो अच्छा है तो कल फॉलो थ्रू मिलना चाहिए जो भी है मैं इस हिसाब से इसलिए मैं पोजिशन लेके क्या अभी देखते हैं कल क्या होता है तो अभी देखते हैं निफ्टी देखते हैं ठीक है निफ्टी देखते हैं निफ्टी में हाँ निफ्टी में भी सेम है निफ्टी में भी कुछ खास नहीं है निफ्टी में भी सेम है वही दिख रहा है निफ्टी में कि अगर निफ्टी का पहले वीकली देख लेते हैं एक बार क्लोज होने वाला है वीकली कैंडल तो वीकली कैसा दिख रहा है निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी लेकिन अभी तक बेरिश नहीं हुआ मतलब यही मेन प्रॉब्लम है निफ्टी अभी तक बेरिश नहीं हुआ ठीक है निफ्टी अभी तक बेरिश नहीं हुआ और निफ्टी अभी भी पूरा अच्छा खासा दिख रहा है अपने आप को होल्ड कर रहा है इस लेवल पे ऊपर के लेवल पे अभी भी होल्ड कर रहा है ऊपर मतलब इतना जोन में ओ, कित एक दो तीन चार चार वीक से चल रहा है वो प्रीवियस काउंट करोगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात सात वीक से यहाँ पर वो कर रहा है तो अभी देखते हैं निफ्टी कैसा मतलब कल क्या करता है हो सकता है इसको नीचे आके निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दे दे इस लेवल पे क्लोज दे दे कल तो फिर मजा आ जाएगा तब फिर आपका एक सेलिंग मार्केट मिल सकता है अब तब ये लो भी ब्रेक करके और थोड़ा इस इस लेवल तक आ सकता है इस लेवल तक भी निफ्टी आ सकता है इस वाला लेवल तक, 20, 400, लेवल तक भी निफ्टी आ सकता है ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड लेवल तक भी निफ्टी आ सकता है अगर इस लेवल को तोड़े तो क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया अभी अगर यहाँ पर एक ऐसा बना दें देन आपको हल्का सा एक, 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 एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी नजर आएगा कि मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ऐसा आया तो इसको अभी तोड़ देगा तो आपको इस लेवल तक तो, तो कहीं नहीं गया ये वाला लेवल आपको मिल जाएगा आराम से और ये एक दो हफ्ते में आने वाला है अगर इसको तोड़ता है तो ठीक है तो निफ्टी तो अभी वीकली में भी ठीक ठाक अभी तो ठीक दिख रहा है लेकिन इसको अभी और थोड़ा नीचे क्लोज देने से ये बेरिज बन जाएगा और थोड़ा नीचे अगर कल आ जाता है तो बेरिज बन जाएगा निफ्टी डेली में भी सेम है थोड़ा नीचे आने से अभी बेरिज बन जाएगा लेकिन अभी तक तो बेरिज दिख नहीं रहा है लेकिन कल के बाद ही ये बेरिश पूरा होगा कल अगर ये नीचे अच्छे से आ गया तो निफ्टी में सेम ऊपर का आपका रेंज आता है ये वाला ऊपर का रेंज आता है ये वाला नीचे का रेंज आता है ये वाला 650 के अराउंड और ऊपर 850 के अराउंड ऊपर 850 के अराउंड मतलब इसके ऊपर आपको तभी आपको बुलिश बनना है इसके बाद इसके पहले बुलिश नहीं बनना है और नीचे अगर फ्लैट ओपन हो गया ये तोड़ता है तो आप बुलिश सॉरी बियरिश ट्रेड ले सकते हो और कहाँ तक ले सकते हो ये भी हम लोग बात करते कहाँ तक ले सकते हो ये भी हम बात कर लेते हैं अगर ऐसा होता है तो हम लोग ट्रेड हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल फोर सिक्सटी वाला लेवल फाइव हंड्रेड के आसपास पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला लेकिन एकदम आप एकदम पिन पॉइंट मत जाना थोड़ा ऊपर ऊपर बुक कर लेना फाइव हंड्रेड के आसपास इस तर, पहला वाला लेवल रहेगा इसको है देन आपका लेवल फिर से बड़ा हो जाएगा ठीक है तो अगर फिर फिर से वही अगर इसमें भी गैप डाउन दिया देन वही ज्यादा गैप डाउन दे दिया तो हो सकता है थोड़ा पहले पंद्रह में स्लाइड करके देन फिर धीरे तो धीरे ऊपर की तरफ क्लोज दे या फिर नीचे ही क्लोज दे दे और बहुत बड़ा गैप अप दे दिया इसके ऊपर गैप अप दे तब तो डिफरेंट थिंग है तब शायद मामला कुछ और हो सकता है और अगर इसके नीचे नीचे गैप द, गैप अप भी हुआ तब भी हो सकता है नीचे आए फिर थोड़ा साइडवेज रह के बोला टेल होकर मार्केट क्लोज कर जाए और सबसे इंपॉर्टेंट बात हाँ सेंसेक्स पहले बात करते कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी सेंसेक्स में भी सेम और कुछ खास नहीं ये वाला जोन ये वाला जोन ज़्यादा गैप अप देगा वही सेम कहानी सेम रिपीट और कुछ इसमें भी कुछ खास नहीं अगर गैप फ्लैट होके ब्रेक डाउन करता है देन फ्लो फ्लो में आपको अच्छा मूव मिल सकता है या फिर आपका गैप डाउन ज़्यादा दे दिया तो फिर वोलेटाइल टू तो साइडवेज हो जाएगा फिर गैप अप भी ज़्यादा दे दिया तो वोलेटाइल टू साइड वेज ओपनिंग इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपन होना चाहिए अब अभी आप दिमाग में आ रहा होगा आज आया क्यों क्रैश ठीक है मतलब बजट में ऐसा हुआ क्या था बजट में ऐसा बजट में सॉरी आरबीआई पॉलिसी में क्या हुआ कि आज इतना बड़ा क्रैश आया आरबीआई पॉलिसी में शक्तिकांत दास ने जो आरबीआई का गवर्नर है उन्होंने कहा कि जो हम बैंक हम लोग से लोन हम लोग जो बैंक से लोन लेते हैं उस लोन लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं हम लोग बैंक क्या करते हैं कुछ कुछ चार्जेस लगाते हैं प्रोसेसिंग फीस ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्रीन चार्जेस ये सब चार्जेस लगाते हैं तो वो सब बोला कि अभी वो सब इंटरेस्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा ईएमआई पे जोड़ना पड़ेगा नॉट कि आप अलग से उसको चार्ज नहीं कर सकते और इससे मतलब एक जो एस्टिमेट है इससे बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी में फाइव टू सिक्स परसेंट का डेंट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक का बैंक इससे मतलब पांच छह परसेंट बैंक प्रॉफिट इसी से कमाता है ठीक है अगर बैंक मान लो सौ रुपये कोई बैंक कमा रहा है तो पांच छह रुपए इससे इस कमाता है कि वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है उससे कमाता है तो वो सब अभी भी अगर डॉक्यूमेंटेशन में दे देगा तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी होने से क्या होगा लोग सोचेगा कि आप को बोलता होगा कि हम लोग मतलब बोलता है बैंक की नौ परसेंट इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल रहा है लेकिन आप अगर सब कुछ पकड़ोगे ध्यान से देखोगे तो साढ़े दस परसेंट दस परसेंट तक वो लोन आ जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा जो है वो पैसा आपको अभी मतलब वो पैसा अगर उन लोगों को सच में लॉस होने लग गया मतलब वो लोग ट्रांसपेरेंसी दिखाने के बाद उन का लो, अगर लोन बुक कम हो गया ऐसे हो गया और अगर वो लोग मान लो, लो इसको दिखाते नहीं है कि अभी चलो ठीक है जैसा बोलता हूँ ऐसे दूंगा पब्लिक को तो उन लोग का पांच छह परसेंट का लॉस होने का स्टीमेट है तो इसके चक्कर में बैंक निफ्टी में एक आज मतलब सॉलिड वाला मूव आया ठीक है और एक बात फिर से याद रखो व्यू मैं, मैं जो व्यू देता हूँ वीकली मंथली व्यू व्यू देता ठीक ठीक है है ये मेरा व्यू ठीक मेरा, मेरा व्यू मान लो ठीक है या नहीं ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है आपका आप ट्रेडिंग में यही है आप पलटते कितना जल्दी हो अगर आपको दिख रहा है चार्ट में कि हाँ पलट तो पलटना चाहिए वो ट्रेडिंग वही मेन ट्रेडिंग होता है अगर मैं आज देखो मैं बेहरिश था फिर भी मैं बुलिश का बात बोला ना क्यों बोला तो आप लोग बोल सकते तो तो मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे चार्ट जो दिखाएगा मैं वही बोल रहा था ना मैं तो वही बोलूंगा अभी मार्केट के हिसाब से मैं चलूंगा मैं मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा तो ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप ट्रेड अच्छे से कर पाओगे की हाँ और लोगों को क्रिटिसाइज करने से पहले बस आप यही सोचो कि हाँ मतलब ये होता है क्या जैसे कि आज देखो आज गैप तो तो ट्रैप ट्रैप है।, तो है लेकिन अभी बोलोगे तो यहाँ पर एंट्री यहाँ पर कौन एंट्री कर पाया वही सबसे वही अच्छा मैं नहीं बोल रहा मैं कर पाया स्मार्ट हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ लेकिन अगर कोई बुलिश था और यहाँ पर वो बेरी ट्रेड लिया तो फिर वो आप बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है उसका ट्रेडिंग एटलीस्ट थोड़ा बहुत ठीक है तो वही मैं बात बोल रहा हूँ आपको चेंज करना आना चाहिए मेरा व्यू वीकली मंथली का बेरिश था लेकिन मैं मैं कल तक थोड़ा बुलिस था कि तीन दिन होल्ड के मुझे लग रहा था कि मार्केट में कुछ शायद मूव आएगा ऊपर की तरफ लेकिन आज जब मिला मैं बेरिश बन गया फिर से तो मेरा अगर अभी मैं अगर सोचो कि मैं मैं की सबको बता सकता हूँ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आई सेट सो वाला पर्सन मैं नहीं हूँ कहा था वीकली व्यू में ऐसा ऐसा मैं कल भी आपको कहा था वो बात याद है कि नहीं ना वो बात तो याद नहीं रहेगा कल मैंने आपको कहा था जब तक आरबीआई पॉलिसी चले तब तो तक ट्रेड मत करना जब एक रेंज बना उसको ब्रेक करे तब ट्रेड करना देखो रेंज नहीं बनाया था ब्रेक नहीं किया ये तो ये भी तो देखो सब तो सुनो अगर वीडियो पूरा देख रहे हो सब कुछ सुनो सुनने के बाद आप लोग उसके हिसाब से ट्रेड करो आप लोग एक बात सुन दो तो, एक बात नहीं आप लोग कोई बोलेगा मुझे पता है कि आपके अब आप देखा तो तो आपका मतलब कल का वीडियो की आपने बोला था बुलिश बुलिश प्रीवियस डे पे आप बुलिश थोड़ा बहुत बुलिश थे कि नीचे आके डिप करके फिर जाएगा मुझे लग रहा था ऐसा क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था आज जब दिखाई पड़ा तो मैंने ले लिया बियरी तो व्यू चेंज करना मार्केट में इज सो इंपॉर्टेंट ठीक है तो ठीक है आ, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं वीकली एनालिसिस फिर करेंगे कल परसों जब भी टाइम मिले तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय और ख्याल रखना अपना और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक